हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के पार्ट 3 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दोनों पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाएगा, जिससे आपको छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समाज क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, समाज एक ऐसा सामाजिक संगठन है जिसमें सामाजिक रिश्तों का एक जाल बुना जाता है। आई बात आपको समझ में। चलेगा बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, राज्य और समाज में कोई दो अंतर लिखे। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, राज्य और समाज में निम्नलिखित अंतर है, जिसमें आपके पहला है, राज्य एक राजनीतिक संगठन है और यह राजनीतिक रूप से गठित एक समाज है, जबकि समाज एक सामाजिक संगठन है जिसमें सभी प्रकार के संघ जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक शामिल है। और इसका दूसरा अंतर है, जिसमें कहा जा रहा है, राज्य की अपनी प्रभुसत्ता होती है, बिना प्रभुसत्ता के राज्य नहीं हो सकता है, जबकि समाज की अपनी प्रभुसत्ता नहीं होती है, यह बिना संप्रभुता के भी होता है। आई बात आपको समझ में। चलेगा बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है, राज्य की सदस्यता कैसी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। सदस्यता कैसी होती है? अनिवार्य होती है। चलेगा बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके चौथा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, संगठन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, संगठन लोगों का वह संगठित समूह है जो उनके सामूहिक प्रयास द्वारा एक विशेष लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है। आई बात आपको समझ में। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन सभी नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो, चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM, इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल और उसके बाद में इधर जो आपके क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 नोट्स है। आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको राजनीति के नोट्स देखने हैं तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के सभी पार्टों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको तीसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं तो इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के तीसरे पार्ट के नोट्स खुलेंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप सभी पार्टों के अच्छे तरीके से नोट्स पढ़ सकते हो। चलेगा बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है किसी संगठन के कितने लक्षण होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, किसी संगठन के 3 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होते हैं? 3 लक्षण होते हैं, जिसमें आपके पहला है लोगों का संगठन, दूसरा है कोई सामान्य विशेष उद्देश्य और तीसरा है सामूहिक प्रयास। आई बात आपको समझ में। चलेगा बढ़ते छठे प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न में कहा जा रहा है, यदि राज्य अमूर्त है तो इसका मूर्त रूप क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, यदि राज्य अमूर्त है तो सरकार इसका मूर्त रूप है। मूर्त रूप कौन है? सरकार है। आई बात आपको समझ में। चलेगा बढ़ते सातवें प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न में कहा जा रहा है, सरकार का कौन सा अंग कानून बनाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, सरकार का मंत्रिमंडल अंग कानून बनाता है। आई बात आपको समझ में, कानून कौन सा अंग बनाता है? मंत्रिमंडल अंग कानून बनाता है। चलेगा बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न में कहा जा रहा है, राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, राष्ट्र शब्द का अर्थ
ऐसे लोग जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग है और इसे राजनीतिक रूप से बरकरार रखना चाहते हैं, अर्थात राज्य व्यवस्था के अंदर है। ये आपके क्या है, राष्ट्र शब्द का अर्थ है। आई बात आपको समझ में देखेगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेगा, जिससे हम आगे वाले सब्जेक्ट के जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगले पार्ट के नोट्स देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, टेक केयर।